What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 10th December 2019 ट्यूसडे सुबह के 8:11 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा पहले दिन काफी एक वोलेटाइल मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग था, पूरे दिन भर एक फ्लैट पैटर्न देखने को मिला और एंड ऑफ द डे एक दोजी कैंडलस्टिक यहां पर हमें फॉर्मेशन होते हुए देखा। तो आज निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे और इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये कल का पिक्चर है, यानी 9th December आफ्टर मार्केट आर से ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,938 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,888। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद एग्जैक्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल जहाँ पर था यहाँ पर ये ओपन हुआ और रेजिस्टेंस फेस किया। टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया और जहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल था यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया। काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए और फिर से ऊपर गया। काफी वोलेटाइल मूव था कल और यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और कुछ देर बाद जब इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,955 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट भी 11,970 ये अचीव किया और यहाँ पर ही 100 EMA आ रहा था। इसने इधर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आकर हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट उसी के पास ही आके क्लोज हुआ। तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते पहले। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली, लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर भी साफ कमजोरी देखने को मिली और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो मिला जुला कारोबार वहां पर देखने को मिल रहा है। जापानीज इंडेक्स हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर बात करें तो 27 पॉइंट का अपसाइड मूव अभी इस समय यहां पर दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप इसे देखें तो एक लास्ट 5 वीक से यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। एक 200 पॉइंट के रेंज के अंदर लास्ट पास्ट वीक से यहाँ पर एक ट्रेड हो रहा है। 200 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर, ऊपर में 12,114 के पास रेजिस्टेंस है और नीचे 11,872 के पास यहाँ पर ये सपोर्ट फेस टेस्ट कर रहा है। तो ये लेवल्स अगर इन दोनों में से कोई एक ब्रेक होता है तो हमें आने वाले नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। अभी फिलहाल लास्ट वीक का अगर कैंडल देखें तो स्ट्रांग यहाँ पर बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, लेकिन ये जो नीचे सपोर्ट बना हुआ है 11,872 का, यहाँ पर बुल्स की काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी और भी यहाँ से करेक्ट होता हुआ टूवर्ड्स 20 EMA तक हमें दिखाई दे सकता है। तो वीकली चार्ट का ये लगभग अभी का तक का सिनेरियो है। लास्ट 5 वीक से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल हमने देखा एक दोजी कैंडलस्टिक बना, इनडिसिजिव पैटर्न, काफी वोलेटाइल मूव था, अप एंड डाउन्स काफी थे। तो अगर इस डेली चार्ट को अभी यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। ऐसा है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है बन रहा है राइट शोल्डर। तो अभी इसका ये जो नेक लाइन है ये इसका नेक लाइन बनेगा। तो नेक लाइन के पास अभी कल ये फिर से एक बार जब बाउंस बैक होता है तभी यहाँ पर ये फिर से नेक लाइन को एज ए रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना हुआ है वो ये बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर ये लास्ट 2 डेज का वीक का लो अगर ब्रेक करता है
तो यहाँ से और भी हमें टूवर्ड साउथ की तरफ निफ्टी मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एज पर डेली चार्ट ये 50 EMA का होगा, जहाँ पर 11,771 ये लेवल आ रहा है, तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा अगर 11,870 का लेवल ब्रेक करता है तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। नेक लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल गया है, तो अभी ये जो लास्ट टू डेज का ये लो बना है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके एक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी इंडेक्स। अगर ये ब्रेक होता है तो और भी निफ्टी इंडेक्स में हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। इसे अगर ऊपर जाना है तो इस नेक लाइन के ऊपर यानी ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज होना पड़ेगा, तो यहाँ से चांसेस है कि फिर से निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूव हमें दिखा सके। तो ये फिलहाल निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट का सिनेरियो, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। अगर ये इस प्रीवियस दो दिन के लो को अगर ब्रेक करता है तो ये पैटर्न यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमें 60 मिनट का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी ये तीनों जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस है जिसको हम मूविंग एवरेजेस कहते हैं, इसके नीचे अभी ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और लास्ट अगर हाफ एन आवर की बात करें तो यहाँ पर एक लंबा टेल छोड़ दिया था जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था, और इसे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो कल यहाँ पर एक स्विंग लो बना था ये अराउंड 11,918 के पास। तो ये जो स्विंग लो बना है इसके नीचे यानी ये जो डोजी कैंडल स्टिक बना है इसका लो और ये जो स्विंग लो बना है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास है। तो 11,917 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,904, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल 11,889। और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर ये 20 EMA फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में R1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल होगा। तो ये कंफर्टेबली ये 11,983 को अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और ऊपर में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो यहाँ पर क्लब हो रहा है 50 और 100 EMA का मूविंग एवरेज, ये छोटा सा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,995, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,012, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर जल्दी बाय करना काफ़ी रिस्की साबित होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो है अभी देख रहे शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड का है, तो और कम्प्लीटली ये जो ये रेजिस्टेंस के हर्डल्स है यहाँ पर इनको कंफर्टेबली ब्रेक करते हैं तो ही यहाँ पर हम बाय करें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।